सारे के सारे दिल खोल के हमारे चैंपियन एहसान मुश्तबा को शाबाशी दें कि वो इसने रिकॉर्ड टाइम के अंदर बिना इटालियन जाने एहसान मुश्तबा मुबारक मुबारक भाईजान मुबारक खैर मुबारक भाई एक मिनट आ जाओ एहसान को ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे आज एहसान इधर आ जाओ ओके जस्ट वन सेकंड एहसान अभी सारो माइक बंद कर दो आप अभी बताएं आपको इटली में आते कितना अरसा हुआ आपको इटालियन आती है आप आपको याद है आप मुझे मिले थे और आप ऐसे बोलते चलो ट्राई आप अब अपने अपनी खुद की स्टोरी सुनाएं ताकि इनका भी जुनून बढ़े सर मैं तकरीबन 2 साल हुए इटली में आए जिसमें 1 साल में दोबारा वापस चला गया था पाकिस्तान तो अभी आया तो फिर आपसे मुलाकात हुई थी जनवरी में तो वैसे तो मैंने सुना था कि बाकी दोस्तों से जो पाकिस्तानी इंडियंस है कि बहुत मुश्किल है जी ये तो बड़ा लकी होता है तो फिर वो दूसरे तरीके इलीगली ये कर लें वो कर लें जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि सर मैं करना और जो आपने मोटिवेट किया और जो मेरी हेल्प की स्पेशली जो आपने हेल्प की उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता था डॉक्यूमेंट्स के लिए वो भी आपने हेल्प की और पहली या दूसरी क्लास में ही मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये कुछ भी नहीं है जिस तरह सर आप पढ़ा रहे थे ना ये कुछ भी नहीं है हमारा वो एक माइंड होता है ना कि दूसरे लोगों से बातें सुनना और उस चीज़ को खुद पे सवार कर लेना जी बहुत मुश्किल है ये कुछ भी नहीं है सर जी और यकीन जाने कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी से अपॉइंटमेंट लेना चाह रहा हूँ और आपने हेल्प की और अपॉइंटमेंट मुझे मिल गई मेरी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी और जिस दिन मुझे ये मिला फोली अरोजा उसके उसी सेकंड डे मैं स्कूल गया उनको बोला मेरा जो ग्वीदे का है वो भी अपॉइंटमेंट ले लें क्योंकि जब सर आपको नॉलेज होता है तो फिर वो बंदा घबराता नहीं है बेशक आप पहले भी गाड़ी ना चलाई तो जब वो रोड साइंस का सारा नॉलेज है तो उसमें फिर मुश्किल नहीं होती और मेरा ये मानना है कि सब दोस्तों को कि ऐसा टीचर मैंने आज तक नहीं देखा जो इतने अच्छे से पढ़ाता हो क्योंकि मैंने बाकी और भी कुछ मेरे एकेडमिक जो है मेरा तल्लक तो लेकिन ऐसा टीचर मैंने इटली में भी आके कभी नहीं देखा और सर मैं ये प्राउडली कह रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट कि इतना अच्छा अंदाज पढ़ाने का मैंने नहीं देखा पहले बहुत 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 शुक्रिया एहसान आपने ये नहीं बोला आपने बड़े बड़े मॉरिस्टो आपने ये नहीं बताया कि आपने जीरो गलती से पास की और वो भी कितने कितने दिनों में कितने दिन क्लास ली थी आपने मेरी सर 40 दिन की क्लास थी 40 दिन की क्लास ली कि आपने जीरो गलती से पास की है और इतने कम टाइम में कि बहुत लोग मान ही रहे थे उसके बाद में आपने एकदम 31 दिन के बाद पक्की लाइसेंस भी हासिल कर लिया हमें लाइसेंस तो बताएं करीब लाके वीडियो में अरे वाह बहुत 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 मुबारक हो एहसान रियली बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आपको ये बताना पड़ेगा एहसान आप ना आपके डिसिप्लिन बहुत है आपने हमेशा जो कहा था हमेशा वैसे किया आपने बैठ के क्लास ली है और आपने मैंने कहा था रीड किया डीसीडी करो नोट्स देखो आपने हमेशा कुछ ऐसे ही किया है और मैं देखता हूँ जो इंसान करो भरोसा करो ना करो जैसे कहा जाए वैसे करेगा तो उसकी हमेशा कामयाबी नामुमकिन है कि कामयाब ना हो उसको फिर जबरदस्ती करनी पड़े सर अगर क्लास भी टेंशन से नहीं लेनी तो फिर वो वेस्ट है टाइम का लेट के लेनी है क्योंकि इंसान का दिमाग ही ज्यादा से 20 से 25 मिनट फोकस रहता है और वो क्लास भी हमारी 30 मिनट की है और यकीन जाने मैंने कभी दोबारा नहीं पढ़ा क्लास के बाद कभी भी नहीं और 7 स्केदे मेरे लिए इतने मुश्किल होते थे कि सिर्फ आखिरी के दिनों में मैं कंप्लीट कर पाता था उससे पहले मैं अगर कोई स्केदा करता हूँ तो उसको दोबारा रिपीट करना उसमें से क्या गलती हुई वो देखना और लोग मेरे जो दोस्त आप जानते ही हैं वो 15-15 स्केदे कर रहे हैं और मेरे से 5 भी नहीं हो रहे थे ये तो बस बोल रहा हूँ मोटिवेट करने के लिए लेकिन अच्छी बात है डोंट वरी एहसान के, लेकिन मुझे बहुत खुशी आपने मुझे बहुत खुश कर दिया ये खबर सुना के सर ये सर आपका आपका क्रेडिट जाता है और आपकी मेहनत भी है बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आपको पता है किसी भी वजह से अगर आपको नासिर सारे भाई है ना वो यहाँ पे आएंगे तो जब भी कोई भी चीज की आपकी जरूरत पड़ेगी हमेशा हमारे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे थैंक यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक बहुत शुक्रिया सर खुदा हाफिज़